अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आपका भाई आ चुका है एक और नए बर्ड्स ब्लॉग के साथ हाजिर। और आज जो मेरे बर्ड्स ब्लॉग का टॉपिक है वो ये है कि सेबल और ब्लू फिशरी की पेयरिंग किस तरीके से करते हैं और इनके पट्टे जो निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं। तो जी बस आज की वीडियो में मैं वो बताऊँगा आप लोगों को फुल डिटेल में। तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा ताकि किसी की नज़र ना कर लगे। तो शुरू करते हैं बस वीडियो को, लेट्स गो। हाँ जी, तो भाई गाइस मैं ये केज में आ चुका हूँ और इसमें जो है हमने जोड़ा लगाया हुआ है सेबल और ब्लू फिशरी का। तो पहले ये डब्बे को, अच्छा एक और बात, आप कभी भी किसी भी आपको जोड़े को मतलब के बॉक्स चेक करना हो तो आप लोग पहले बॉक्स को यूं ठक ठक करेंगे ताकि जो वो जोड़ा है वो बाहर आ जाए। जैसे कि ये जोड़ा बाहर आ चुका है सेबल और ब्लू फिशरी का। अच्छा अब इसके जो है अंदर इसकी प्रोग्रेस देखते हैं कि मतलब किस तरीके से मतलब अंडे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखे इनके। तो बॉक्स खोल के चेक करते हैं कि अंदर क्या है। तो लेट्स गो। बाकी माशाल्लाह से आप लोगों को जोड़ा तो दिख रहा होगा, ये दोनों जो है नर मादा दोनों जो हैं वो हैं ब्लैक आइज में। इसकी सेबल भी ब्लैक आइज है और जो ब्लू फिशरी है वो भी ब्लैक आइज ही है। तो जी इसके बॉक्सेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं बॉक्सेस में क्या है। ये गाइज आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से, इसमें दो बच्चे और दो बच्चे नहीं सॉरी तीन बच्चे और दो अंडे हैं। यही है, तीन बच्चे और दो अंडे हैं। बाकी आप लोगों को जोड़ा दिख रहा होगा, इसमें अभी जो है वो तीन बच्चे दो अंडे हैं। इसमें जो है और भी पट्टे थे, ये इनकी पहली ब्रीड नहीं है और काफ़ी सारी ब्रीड इन्होंने निकाली भी है। अच्छा इसमें यह होता है कि ये ब्लू फिशरी और सेबल जो है इसका अगर आप लोग जोड़ा लगाएं तो इसके अंदर जो है वो रेड आइस के भी पट्टे निकलते हैं और इस वाले जोड़े ने जो है रेड आइस का पट्टा दिया है हमें। रेड आइस सेबल एल्बिनो का रेड आइस पट्टा इन्होंने जो पहली जो इनकी ब्रीड थी इससे पहले वाली, तो इसमें इन्होंने रेड आइस का एल्बिनो का पट्टा निकाल के दिया था हमें। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। अच्छा रेड आइस का पट्टा किस तरीके से देते हैं ये वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा इनमें जो है ऐसा हो सकता है कि इनके जो बाप दादा हो मतलब इनसे बड़े जो जिनके ये पट्टे हों तो उसमें हो सकता है कि इनकी रेड आइस की कोई नस्ल चलती भी आ रही हो, इनके ब्लड में जो है वो रेड आइस हो, उसकी वजह से जो है ये रेड आइस के पट्टे निकालते हैं। इनके जो बड़े जो थे वो तो ब्लैक आइस ही थे, ये दोनों भी ब्लैक आइस हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके उनसे जो बड़े तोते होंगे मतलब के तो उसमें कोई रेड आइस हो जिसका ये जोड़े वगैरह निकले हों जिनके अंदर से, तो उसकी वजह से जो है ये रेड आइस के पट्टे निकालते हैं। तो जी बस ये आप लोगों को जोड़ा वगैरह तो दिख गया होगा, मैंने अंदर का भी आप लोगों को दिखा दिया है बॉक्सेस के। माशाल्लाह से इसमें तीन पट्टे और दो अंडे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी इसके ये निकाल नहीं रहा पट्टों के, छोटे छोटे पट्टे हैं। अब देखते हैं बड़े होकर, हो सकता है कि इसमें भी जो है वो रेड आइस कोई पट्टा हो, अगर हुआ तो अच्छी बात है। बाकी अब मैं आप लोगों को जो इनका जो पहला जो पट्टा जो रेड आइस एल्बिनो का इन्होंने निकाला है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं एल्बिनो के पट्टे की तरफ। बाकी आप लोगों को माशाल्लाह से पट्टे दिख रहे होंगे इसी के। भाई गाइस जैसे कि मैंने ये पट्टा निकाल लिया है उसके अंदर से, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं करीब से दिखाता हूँ। इसकी जो है ये एल्बिनो का पट्टा है माशाल्लाह से, आप लोग अच्छा कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। और ये जो है ये रेड आइज है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है ये उसी जोड़े ने निकाला है सेबल के और फिशरी के ब्लू फिशरी के, ये उन्हीं का ही पट्टा है ये। माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो रेड आइज निकाला है, अभी बहुत छोटा पट्टा है। अभी हम लोगों ने इसकी शिफ्टिंग करी थी कॉलोनी से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मुझे काटने में लगा पड़ा है क्योंकि अभी भूखे हो रहे हैं ना, इनको खिलाने का टाइम हो गया है तो अभी थोड़ी देर में आके इनको खिलाना भी है। तो बस अच्छा अभी शिफ्टिंग वगैरह करी थी ना उनकी, तो इस वजह से जो है इनको हमने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो ये जोड़ा जो है ना ये इसको खिला फीड नहीं करवा रहा था, तो इसको जो हमने हैंड फीड पर ले लिया था। माशाल्लाह से इसमें जो है ये रेड आइस का इन्होंने एल्बिनो निकाला है। अब देखें आगे की जो इनकी वो है ब्रीड वो कौन सी देते हैं। इसको मैं अंदर रख दूं, ये मेरा हाथ खाने में लगा हुआ है, तो अभी इनको खिलाना भी है। ये देख सकते हैं ये दूसरा वाला भी जो है वो भूखा हुआ हुआ है पूरा। पहले इसको अंदर करते हैं, चलो अंदर, फिर इसको डाल देते हैं अंदर। आप लोगों ये पट्टे नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से, ये काफ़ी भूखे हैं, अभी इनको खाना वगैरह डालना है, हमने फीड वगैरह मतलब हैंड फीड वगैरह करवानी है।
तो जी बस गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि सेबल और ब्लू फिशरी के पट्टे अगर क्रॉस ब्रीडिंग इनकी लगाए तो इसके पट्टे में से रेड आइज निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। हमारे पास जो है, हमारा जो सेटअप है उसमें तो माशाल्लाह से रेड आइज निकला है एल्बिनो का, इसके ज़्यादा रेड आइज लोटिनो भी निकला है, लेकिन वो हमने कॉलोनी में डाल दिया है। वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने कोई भी सवाल हो बर्ड्स के हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बोलिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट बर्ड ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों को और भी कोई बर्ड्स के हवाले से, क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के हवाले से, फीड के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।